और ये मेरे हीरो साहब, जरा मुस्कुरा दो। अरे योगा क्लास जो रोज सुबह होती है, सुबह 6 से 7, वो शुरू होने जा रही है। अगर आपको योगा करना है या आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो प्लीज़ आप मेरी योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। ना अच्छा लगता है ना योगा करने के बाद। अच्छे लोग पूछते हैं, करते भी हैं कि योगा से अपना फैट कम, वेट लॉस करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है, सब हो जाता है। योगा में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है, क्योंकि योगा जो है वो हमारे फैट पे काम नहीं करता या उसके वजन पे काम नहीं करता है, हमारे शरीर को अंदर से ओवरऑल ठीक करने के लिए वो काम करता है। पर आधा घंटा, एक घंटा किसी अच्छी प्रैक्टिस को देने में, योगा करने में, एक्सरसाइज करने में, रनिंग जाने में, स्विमिंग जाने में, हमें आलस आता है, हम नहीं उठ पाते हैं। ना हो पाएगा भैया, मुन्ना तुम्हारे बस की बात नहीं। खैर चलिए, आज का योगा सेशन हो गया, आज का ज्ञान बहुत हुआ। चले झाड़ू पोछा लगाएं, बहुत गंदा पड़ा है घर। नहा धो के हो गए तैयार और अब टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। आज मैडम ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है और देखते हैं। ये है हलवा और ये है दमालू। दमालू जो है वो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, इलाहाबाद का स्पेशल ब्रेकफास्ट है दमालू मसाला। मुझे याद है हरीरा की फेमस दुकान से। थोड़े से फ्रूट्स, ब्रेड और ये मेरे हीरो साहब, जरा मुस्कुरा दो। तो कल मैंने आपको एक कोर्स के बारे में बताया था, इनक्रेडिबल इंडिया फैसिलिटेटेड टूरिस्ट प्रोग्राम, क्योंकि मैं भी अभी उसी की ही पढ़ाई कर रहा था। मैंने अपना पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं सेकंड यूनिट पे हूँ। मिडिवल हिस्ट्री अभी शुरू हुई है तो वो पढ़ रहा है। किया है तो आप भी कर लीजिए, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, अंताक्षरी छोड़ के बाकी कुछ और करेंगे। दही, दाल, आलू, शिमला मिर्च, चार और तो चलिए आज मैं आपको कुछ योगा से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। हम सांस लेते हैं, अभी कोरोना चल रहा है, हर इंसान कोरोना से परेशान है। मैंने देखा काफ़ी कुछ मोबाइल में, सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, एक सर्कल बना के दे रहे हैं कि अगर आप इतनी देर तक इनहेल करके या अपनी सांस को रोक करके रखते हैं तो आपके लंग्स अच्छे हैं, आप एक सुपर ह्यूमन हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं। क्योंकि मैं योगा के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम योगा की बात करते हैं या सांस लेने की बात करते हैं तो हम योगा में हमेशा योगिक ब्रीदिंग के ऊपर बिलीव करते हैं। योगिक ब्रीदिंग क्या होती है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांसों को जब हम अंदर लेते हैं तो धीरे धीरे, पहली बात तो हमें कभी भी तेज सांस नहीं लेना चाहिए। ये इस तरीके का सांस लेने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और यह आपके बॉडी पे असर डालेगा। इसका असर आपको आज दिखेगा, नहीं तो कल दिखेगा, नहीं तो एक बहुत लंबे समय के बाद जाकर के दिखेगा। अब सवाल आता है हम सांस कैसे लें। अब अपने आप को शांत रखें, अपने मन को शांत रखें, अपने हृदय को शांत रखें, अपने दिल को शांत रखें और आराम आराम से जब आप सांस ले रहे हैं तो बिल्कुल आराम से सांसों को भरने दें। सबसे पहले तो अलती पलती मार के पद्मासन में एक दूसरे पैर फोल्ड करके इस तरीके से बैठ करके धीरे धीरे सांसों को अंदर जाने दें, पेट तक, लंग्स तक और अपने शोल्डर्स तक, एंड देन स्लोली रिलीज इट आउट। धीरे धीरे अपनी सांसों को
बाहर जाने दें। इसमें भी एक ट्रिक ये है, यू हैव टू कीप एन ट्रैक ऑन टाइमिंग्स, कितनी देर तक आप इनहेल कर रहे हैं और जितनी देर आपने इनहेल किया, सपोज आपने सांस लेना शुरू किया तो आपने 5 सेकेंड कोशिश करेंगे कि हम 3 सेकेंड से शुरू करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स हम इनहेल करेंगे मन में ध्यान रखते हुए और धीरे धीरे उसी को 3 सेकेंड में एक्सहेल करें। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो सांसों का जो समय है वो बढ़ता चला जाएगा, तो हम धीरे धीरे अपने लंग्स को भी एक्सपैंड करते हैं। अभी आप शैलो सांस ले रहे थे, शैलो ब्रीदिंग कर रहे थे, छोटी छोटी सांसें ले रहे थे जो आपके लंग्स तक भी पूरा नहीं भर रहा था, वो आप 1 सेकेंड तक ले रहे थे, बट जब आप 3 सेकेंड तक लेंगे तो आप धीरे धीरे सांसों पर ध्यान रखते हुए अपने पेट तक, लंग्स तक और अपने अपर चेस्ट एंड शोल्डर्स तक पूरी सांसों को भर लें और फिर इसको रिलीज करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरी बातें हैं ये अच्छी लगी होंगी, कुछ आपके काम आएंगी, कुछ शायद काम ना भी आए, ये मैंने ट्राई किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी ट्राई करें। और अगर आपको अच्छा लगता है या आपको इससे बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो आसपास लोग हैं, बहुत सारे अभी तो कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है, बीते हुए कल में पूरे भारत में शायद कुछ 3000 मौतें हुई कोरोना की वजह से, तो यह आंकड़ा रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है और अब सिचुएशन किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ना हमारे, ना आपके, ना सरकार के, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अब जो जैसा चल रहा है राम भरोसे वैसा ही चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं प्रॉपर ब्रीदिंग करने में, क्योंकि जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करेंगे, जब तक हमारे लंग्स ढंग से खुलेंगे नहीं तब तक हम ठीक से ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। ध्यान रहे कि इसके बीच में झटके से नहीं करना है, राइट, कि हम ऐसा ना हो कि विद द प्रेशर हमने सांस बहुत देर तक छोड़ी अंदर तक, फिर अचानक तो 1 सेकंड भी नहीं लगा और हमने सांस भर ली पूरी अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये गलत तरीका है। बिल्कुल आराम से अपने आप को काम डाउन, कूल डाउन करके बैठें और फिर ये प्रैक्टिस करें।